बच्चा जी अभी पांव पे नहीं खड़ा। मैं क्या बैसाखियां वाला है, पांव पे नहीं जी खड़ा अभी, अभी अभी बच्चा क्या है जी, पांव पे नहीं खड़ा हो सका, हजे पैरां ते नहीं खड़ोता, हले कुछ कमावन खावन जोगा हो जावे। अल्लाह माफ़ फरमाए। ओ क्यों रब नाल मुकाबले करदे हो, क्यों अल्लाह नाल आडे लांदे हो, क्यों रब नाल मुकाबले करदे हो? और जदों बच्चियां दी उम्र हो जाए उन्हां दियां शादियां टाइम ते कर दिता करो। इस्लाम यही कहिंदा है, मेरे मुहम्मद अरबी दा फरमान यहो कहिंदा है, जदों बच्चे टाइम हो जाए उदों शादी, यानी निकाह। जिहड़ा टाइम ते निकाह नहीं करदा, बच्चे 5 साल 10 साल 15 साल वालिदैन दे घर अंदर गुजारदे ने, वो जिन्ने गुनाह करते हैं इन्हों के गुनाहों का सारे का सारा जिम्मेदार ये वालिदैन होंगे ने बराबर के शरीर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ भाई असी किधर तुर पे? मैं इसे करके अर्ज किया, किसी को पसंद नहीं आनी, किसी को चंगी नहीं लगनी, किसी को मजेदार नहीं लगनी तकरीर। किसी ने आखना जी वो लच्छेदार, सानू को नज़मा नहीं सुनाइया, सानू फुला नहीं किया, वीरिया बड़ा एहोजियां बातां सुन लिया ने। आ जरा थोड़ा जि अपने आप नू मूव कर लईए, अपने आप नू बदल लईए, अपने मुआमलात नू बदल लईए। इहदे तो पहले का वक्त अजल आ जाए, फरिश्ता आ जाए, लब्बई कहिंदियां होइयां जमीन की जान छड़नी पवे। पहले पहले अल्लाह सुने दियां मन लईए, ताकि अखां बंद होने तो बाद अल्लाह साड़ियां मने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शादियां भी करनिया ने बच्चियां दियां अल्लाह, लेकिन टाइम ते करनिया ने ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा जदों निकाह होया, अक्सर मेरे बड़े मौजूद मेरे निकाह अंदर शिरकत की थी। मेरा निकाह होया, यकीन जानो मेरे को थेली नहीं होंगी, आठ आने नहीं सन, बर्फ मकान जोगे पैसे नहीं सन। गर्मियां के दिहाड़े तो मैं क्लब जाता सर गेम करने वास्ते बॉडी बिल्डिंग, तो मेरे को बर्फ खरीदने वास्ते पैसे 8 आने नहीं सन होते जेब च। तो मेरे निकाह की डेट तय हो गई, निकाह होया, अल्लाह पाक ने पैसे देने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर निकाह तो बाद मैनू अल्लाह ने उन्होंने दिनों च असी जरा इधर सागे अगले मामलात अंदर दूसरों का घर बचा निकले सन कश्मीर वाले पास तो बार कैफो। वो जदों अगे मामला चलिया, निकाह हो गया, तो निकाह तो बाद पहला बेटा अल्लाह को चला गया। अल्लाह ने उदों तो बाद बेटी अता फरमाई, अल्लाह ने धी दिती, रिजक आया, अगली धी आई, रिजक होर आया, तीजी धी आई, रिजक होर आया। मैनू नहीं पता कितों किवें अल्लाह ही देंदा। अल्लाह अकबर। जिमें जिमें बेटियां आईया रिजक वध्या, बेटे आए रिजक आया, वो अपना नाल लैके आए। ये नसीबा वाली तेरे कोल ने ना, तू इन्हों का कदर नहीं करता, तू इन्हां नाल प्यार नहीं करता, इन्हां नूं ठुड्डे मारना, तू वेखना सोचना कि धी गवरे क्यों जम पई है, इन्हूं मैं कित्थे व्यावांगा, की करांगा, इहदा तेरे दिल ते ज़ल्ला वजहु मुसवद्दम वहू अकज़ीम, तेरे चेहरे ते सलवटां तेरे मत्थे ते पै जांदियां ने, शिकम आ जांदे ने। तू कहना धी जम पई करांगा की, बसोड़िया मूँह लैके फिरदा रहना। अल्लाह अकबर। ये जदों करम वालियां जांदियां ने ना भीज के दूसरे घर, तेनू फिर पता लग जाए। तू कहना जो मेरी धी हुंदी सी मेरे घर ते रिजक इवें आंदा सी, मेरी बेटी हुण अगे चल गई, मेरा रिजक इधर चला गया। हाँ हाँ मैं ऐसे वाकयात वेखे ने, इंज भी हुंदा है। ते अल्लाह की तरफों कुछ नफूसे कुदसियात हुंदियां ने, पकीज़ा रूह होया करदियां ने, पकीज़ा रूहां। मैनू तैनू कदर करन दा ही नहीं पता। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा मेरा वीर सुनिया, अल्लाहु अकबर। निकाहां नू आम कर दियो, निकाह आम कर दियो, शादियां नू यानी शादियां ते पैसे ना खर्चो। ये पैसे अज एक दूसरे नूं न्यौंदरा पाने, लिस्टां बनाने, जहेज लै करके फलां फलां, कोई चीज़ इस्लाम अंदर नहीं है ना। इस्लाम अंदर सिर्फ निकाह है ते वलीमा है। अल्लाह की कसम, आ कुरान है ते सोने नबी का फरमान भी हाफिज मकसूद साहब को, या पिंड बुखारी और मुस्लिम रिवायतां पईआं होणी, किताबां पईआं होणियां ने। मैनू जरा दसो हाँ, बाप ते बेटी दे बाप ते किन्ना कु खर्च है? मैनू जरा को भाई जी दस्या जे ते सही, मैनू बाद चो तुसी उंज फड़ लैंदे हो ना मसलियां वास्ते, अज मैं तुहानू फड़ना इस गल ते, कि मैनू दस्या जे जरूर कि बाप ते किन्ना कु बोझ है, बाप ते किन्ना बोझ है, मैनू दस्या जे उहने जहेज किन्ना देना, और फिर बाप ने किहड़ी किहड़ी रोटी का इंतजाम करना, तो फिर की करना। खुदा रा ए मेरे हाथ जे मैंने कुरान व हदीस चो दसिया जी जरूर, ताकि मैं अपनी अपना दिमाग दुरुस्त कर सका। मैं अगर गलत होवां ते जे अगर मैं सही होया तो फिर तुसी भी कोशिश कर लिया जे सही होने की। बाप नाना अरबियां दे घर ना, अरब दे घर धियां जम्मण ते चाह चढ़ जाते हैं। निकाह जदों हुंदा ना बेटी का, निकाह दियां किन्नियां किस्मां ने, जदों बाप हाँ कर दे, वली हाँ कर दे, अद्धा निकाह तो उत्थे ही हो जाता है।
ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਖਾਵਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਸੋਚ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਈ ਨਿਕੰਮਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟੋਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਟੋਰਿਆ ਤਾਂ ਉਲੱਥੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਮੰਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਭਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲੇ ਛੱਡੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਿੱਖ ਮੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲਾਤ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਜਾਲ ਕਵਾਮੂਨ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਕਵਾਮ ਬਣੋ।